पुलिस जिला नवगछिया के रंगरा में भयावह स्थिति हो गई है। एक तरफ गुस्साए लोग तो दूसरी तरफ से पुलिस की फायरिंग लगातार। आक्रोशित लोगों की तरफ से पत्थरबाजी भी हुई। पत्रकार जो खबर कवरेज करने गए थे उनको पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। दरअसल भागलपुर जिला के नवगछिया रंगरा की रहने वाली महिला शोभा देवी शुक्रवार को दूध बेचने के लिए निकली थी, जिसके बाद से वो लापता हो गई। परिवार वालों ने दो दिनों तक लगातार इसकी खोजबीन भी की। उसके बाद थाने में भी इसकी रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन थाने से भी निराशा ही हाथ लगी। दो दिन बाद जब उस महिला का छत विछत शव बरामद हुआ तो परिवार वालों और गांव वालों में आक्रोश सुलगता गया। यह गुस्सा इस कदर भड़का कि पुलिस जीप को ही आग लगा दी गई, जिसके बाद जब पुलिस माहौल को शांत कराने आई तो आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर ही प्रहार कर दिया। पुलिस और आक्रोशित ग्रामीणों के बीच झड़प में खबर कवरेज करने गए दो पत्रकारों को भी ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी, जिससे दोनों पत्रकार बुरी तरह घायल हो गए, जिसका इलाज नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। वहीं ग्रामीण इतने आक्रोशित हैं कि पुलिस की जीप को भी आग के हवाले कर दिया। स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। दूध बेचने गई महिला शोभा देवी का दो दिन बाद शव मिलने से ग्रामीण इतने गुस्से में दिख रहे हैं कि पुलिस की भी वो कुछ नहीं सुन रहे। वो पुलिस से भी उलझ गए। दोनों ओर से फायरिंग घंटों चली। मामले को शांत कराने के लिए एसपी पूरन झा ने पुलिस बल की कई टुकड़ियां रंगरा गांव भेजकर मामले को तत्काल शांत कराया, लेकिन स्थिति अभी भी संवेदनशील बनी हुई है। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील है। स्थानीय लोगों के अनुसार रंगरा में एक लापता महिला का शव दक्षिण बाड़ी टोला से बरामद हुआ तो मृतिका के टोले के लोगों ने जमकर बवाल काटा। लोगों की शिकायत है कि पुलिस इस मामले में लापरवाह बनी रही और इसी लापरवाही की वजह से ऐसे माहौल की नौबत आई। पुलिस पर आरोप है कि महिला की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने के बाद भी पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई, जिसके बाद अब महिला की हत्या कर दी गई। मृतिका की पहचान मनोज मंडल, पिता स्वर्गीय कमेश्वरी मंडल की पत्नी शोभा देवी के रूप में की गई है। वहीं नवगछिया एसपी पूरन झा ने बताया कि पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचकर शांति का माहौल बना रही है। दोषियों पर जल्द कार्रवाई होगी। अगर थाने की लापरवाही सामने आती है तो वहां के कर्मियों पर भी कार्रवाई होगी। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। जिन्होंने भी वहां आग लगाई है उस पर भी केस दर्ज किया जाएगा। पत्रकार को कैसे और कौन घायल किया है इस पर भी जल्द संज्ञान लिया जाएगा। साथ ही गोली चलने की सूचना अभी तक मेरे पास नहीं आई है, इसकी भी शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। फिलहाल शांति बहाल है। कल हम लोगों को एक सूचना मिली थी कि रंगड़ा पीएस के अंतर्गत एक महिला अपने घर से गायब है। इस संबंध में जाकर के थाना अध्यक्ष द्वारा गांव में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि जगहों पर जांच पड़ताल किया गया। आज सुबह उसी महिला का शव मिला, जिसको थाना अध्यक्ष जब वहां पहुंचे तो दो पक्षों में वहां विवाद होने लगे। एक पक्ष दूसरे पर हत्या का आरोप लगा रहा था। इसी क्रम में वहां कुछ विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई थी। कुछ गाड़ियों को आग लगाया गया, क्षतिग्रस्त किया गया है। इस संबंध में हम लोग अलग से कानून दर्ज करके अलग कार्यवाही करेंगे। नहीं, शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। कुछ देर में पोस्टमार्टम भी हो जाएगा। नहीं, इस तरीके की बात हम कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। गाँव में सीसीटीवी लगाया गया है, हम लोग इसकी भी जाँच करेंगे। कुछ लोगों जिनको वो लोग संदेह के आधार पर बता रहे थे, हम लोगों ने अभी अपने पास रखा है। अगर उनके खिलाफ हम उनके विरुद्ध हम लोगों को कोई प्रमाण मिलता है तो बिल्कुल हम लोग उनको गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। जी, कार्रवाई दो कांड इसमें दर्ज किए जाएंगे। एक तो जो हत्या का केस है वो वाला अपना जो हम लोगों ने पहले केस दर्ज किया था उसी में हत्या की धारा जुड़ करके आगे के बयान लिए जाएंगे। दूसरा एक जो पुलिस पर हमला हुआ है, और तीसरा दो पक्षों में जो आपस में विवाद हुआ है उस पर कार्रवाई की जाएगी। जब मैं घटना स्थल पर गया था लोगों ने मुझे भी यह बात बताई है। इस संबंध में अभी हम लोग एक बार इस विधि व्यवस्था से जैसे ही हम लोग थाने पर पहुंचेंगे हम लोग आगे की जांच करके यदि यह बात सत्य है तो हम लोग संबंधित पदाधिकारी पर कार्यवाही करेंगे। स्थिति अब शांतिपूर्ण है? जी, स्थिति अब पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। पुलिस बल वहां है, हम लोग कैंप कर रहे हैं। चार जगह पर हमने कैंप बनाया है। एसडीओ और डीएसपी साहब वहां पर है। नवगछिया पुलिस जिला के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र की रंगरा थाना अंतर्गत महिला शोभा देवी का आज सुबह शव मिलने से रंगरा में बवाल मच गया। आक्रोशित ग्रामीणों के द्वारा पुलिस जीप के साथ कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इस पूरे घटना के बाद गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने नवगछिया एसपी पूरन झा पर बड़ा आरोप लगाया है। गोपाल मंडल ने कहा कि पूरन झा ब्राह्मण जाति के साथ जातिवाद करते हैं या ब्राह्मण जाति के साथ मिलकर अपराध करवाते हैं और बवाल खड़ा कर देते हैं। वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे और नवगछिया से पूरन झा का ट्रांसफर करवाएंगे। अगर नवगछिया से पूरन झा का ट्रांसफर नहीं होता तो हम अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंप देंगे। बता दें, मृतिका शोभा देवी पिछले दो दिनों से लापता थी और दूध बेचने का काम गांव में करती थी। देखिए भाई, लड़की के साथ तो उसके साथ छेड़छाड़ तो करता ही था और ब्राह्मण समाज में दूध देने के लिए जाती थी।
अब लड़की की औरत है हम ये नहीं कर सकते, हम देखो नहीं कि हम गए भी नहीं। वो हुआ, जब हुआ उस टाइप का आवेदन देने के लिए थाना गया रंगरा थाना, तो उन्होंने आवेदन नहीं लिया। अगर आवेदन ले लेता और कह रहा है कि हत्या हो गई है उसको खोजिए, और एकदम जिसकी जो रिपोर्ट देने के लिए गया उसके घर पर नहीं पुलिस गई छानबीन करने के लिए, कुछ नहीं, नज़रअंदाज किया, केस ही नहीं लिया। और कहाँ से हमारी सरकार हो जो भी हो पुलिस हो सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसा सब दरोगा आया है, बात करने का तरीके नहीं है। पुलिस वाहन को फूंक दिया गया, पुलिस वाहन को फूंक दिया, लोग तो रिएक्शन में होता है, पुलिस वाहन को क्यों फूंका गया, कारण क्या है कि जब से पूरन झा, पूरन कुमार झा, एक सुशांत सरोज ननिहाल था पुनामा में, पढ़े लिखे यहीं तुलसीपुर हाई स्कूल में, सब कुछ किए, उनको दे दिया, तो बहुत समझाने के बाद उनसे सुधार आया। ये पूरन झा, इसका ननिहाल है भमरपुर में, ये बहका हुआ दरोगा है, एसपी, ये भागलपुर में रह चुका है, भागलपुर में रह चुका है यहाँ से, और उसके बाद सारी कहानी को जानते हैं। वहाँ जाने के बाद इन्होंने भट्टा का इंक्वायरी करना, थाना का इंक्वायरी करना तो करना ही चाहिए, दुकान सब पर जाना, सब कुछ करना, मतलब जो भी जाता है यहाँ से एसपी लूटने के लिए जाता है। किसकी लापरवाही नज़र आ रही है? लापरवाही नज़र तो हम क्या कहें पुलिस महकमे का, हमारा डीजीपी फेल है, भट्टी साहब को लाया गया इसलिए पुलिस पर नकेल साधेगा। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे 7 साल तक बढ़िया से सरकार चली, पुलिस का अत्याचार नहीं था, ब्लॉक का अत्याचार नहीं था, 7 साल के बाद ऐसा कहानी हुआ, बगैर पैसा लिए FIR करता ही नहीं है, यही 5,000 रुपया दरोगा को देता जमदार को तो FIR ले लेता। कारण क्या है, ये पूरन कुमार झा जो आए हैं ना, इन्होंने शील्ड बांटने का किया, क्या जरूरत था भाई, हम जनप्रतिनिधि हैं कोई है उनसे भी शील्ड बांटना चाहिए, ये पुलिस एसडीओ से क्यों शील्ड बंटवाते हैं, ये होता कौन, आज है चला जाएगा, इसके जाने से रंगरा जाने से लफंगे लड़के का या ब्राह्मण समाज का मन बढ़ा। ये लालू राबड़ी समय काल में सामूहिक बलात्कार दियारा में नहीं हुआ है, होता होगा पटना में, होता होगा कहीं पर, लेकिन यहाँ नहीं। ये पूरन कुमार झा के बदौलत हम मुख्यमंत्री को बोले थे, हम श्रवण कुमार को बोले, सबको बोले, ये एसपी को मैं बैकवर्ड एसपी मांगे हैं, ब्राह्मण को मत दीजिए, आज ये कमाल दिखा दिया, ये कमाल दिखा दिया, कारण है पूरन झा है इसलिए दरोगा FIR नहीं लगा, हमारी पत्नी हमारी बेटी गुम है FIR नहीं लगा, FIR ले लेता जो घटना नहीं घटती, सारा सर दोषी है पूरन कुमार झा, एसपी नवगछिया का। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है, कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
भागलपुर की डाउटबाट स्थित आदर्श विद्या मंदिर ने डायरेक्टर और फाउंडर सीलम प्रियम के नेतृत्व में सफलतापूर्वक अपना 24 साल पूरा कर लिया है और अगले साल विद्यालय की सिल्वर जुबली हो जाएगी। इस उपलक्ष्य पर पिछले एक सप्ताह से चल रहे बसंत उत्सव कार्यक्रम आज एनुअल डे के कार्यक्रम के साथ सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गया। बसंत उत्सव कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के बच्चों के द्वारा बाल मेला, फूड मेला, विज्ञान मेला एवं मॉडल क्राफ्ट की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। साथ ही आज एनुअल डे के दिन बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कई राज्यों केंद्रित एवं नाटक का प्रदर्शन बच्चों के द्वारा किया गया। मुख्य आकर्षण नाटक दानवीर कर्ण रहा, जिसमें विद्यालय के बच्चों ने अपनी प्रस्तुति से उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। आज के कार्यक्रम का उद्घाटन युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव, विद्यालय की डायरेक्टर सीलम प्रियम के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के अभिभावक भी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर बच्चों की प्रस्तुति को देखा और ताली बजाकर बच्चों की हौसला अफजाई की। आदर्श विद्या मंदिर के डायरेक्टर और फाउंडर सीलम प्रियम ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम करने से बच्चे अपने देश और समाज के साथ अपने सांस्कृतिक धरोहर को जानते समझते हैं, जो बच्चों के समग्र विकास में सहायक सिद्ध होता है। आज हमारे विद्यालय में वार्षिकोत्सव के रूप में एनुअल डे का कार्यक्रम मनाया जा रहा है और ये कार्यक्रम तकरीबन एक सप्ताह से चल रहा है, जो बाल मेला से शुरू हुआ था और बाल मेला के बाद हमने विद्या की देवी माँ सरस्वती की भी आराधना की। तत्पश्चात फिर से ये फूड मेला, बाल मेला, बच्चों के द्वारा लगाए गए एग्जीबिशंस, विज्ञान मेला और मॉडल्स क्राफ्ट आदि कई सारी चीज़ें विद्यालय में एग्जीबिशन कॉर्नर पर लगी हुई हैं और बहुत सारे छात्र, बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ बारी बारी से आकर इनको देख रहे हैं, सराह रहे हैं, कुछ छोटे छोटे क्राफ्ट को खरीद भी रहे हैं। हमने इस पूरे इंटायर कॉन्सेप्ट को वसंतोत्सव का नाम दिया है। तो पिछले साल ये 1 सीरीज था, अभी 2 सीरीज है। हमारा विद्यालय आदर्श विद्या मंदिर 24वां वर्षगांठ मना रहा है और अगले साल हम लोग सिल्वर जुबली भी मनाएंगे। ये हमारे लिए बेहद गर्व का विषय है और आज इस कार्यक्रम में विभिन्न तरह के ड्रामा, डांस, फोक डांस, डिफरेंट स्टेट्स के नृत्य को भी हमने इसमें पिरोया है। जो हमारा आज मेन नाटक है, वो नाटक हमने महाभारत एपिक से लिया है, दानवीर कर्ण, जो काफ़ी रोचक और काफ़ी ज्ञानवर्धक भी है। कहीं ना कहीं हमारा ये पौराणिक ग्रंथ हमें आज भी कुछ ना कुछ सिखाता है और हमारा भागलपुर अंग प्रदेश है, पहले मगध और ये अंगराज कर्ण जो यहाँ की मिट्टी से जुड़ा हुआ था, जिनके बारे में हम लोग पढ़ते आए हैं, जिनकी वीरता के बारे में, जिन्होंने जाति पाति के भेदभाव को ख़त्म करने के लिए अपने आप जी जान लगा दिया, तो उनकी धरती से हैं। तो हमें बहुत गर्व है इस बात का और आज इस कार्यक्रम में मैं तमाम दर्शकों का, तमाम श्रोताओं का, तमाम बच्चों का, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारियों का, मीडिया, प्रेस, जितने भी लोग यहाँ आगंतुक हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं सबों का स्वागत करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। संतोत्सव मनाया जा रहा है, स्प्रिंग फेस्ट और बच्चों के कई सारे कार्यक्रम है, बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पर आके, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे ड्रामा हैं, एक्ट्स हैं, डांसेस हैं और कई सारे परफॉर्मेंसेस हैं हमारे छोटे छोटे बच्चों के द्वारा। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा इंतज़ार का समय अब ख़त्म हो चुका और आज यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। राजद सुप्रीमो लालू यादव द्वारा सीएम नीतीश पर दिए गए बयान को लेकर बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए हमारा दरवाजा तो खुला ही रहता है। इस बयान पर नीतीश की चहेते जदयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने भी बयान दिया है। गोपाल मंडल ने कहा कि दरवाजा तो खुला ही रहता है, राजनीति में किसी का दरवाजा बंद नहीं रहता, जब जरूरत पड़ेगा जिसमें घुसना है घुस जाएगा। वहीं नीतीश के फिर से पलटी मारने वाले सवाल पर गोपाल मंडल ने कहा, फिर से क्यों, अभी जिसके साथ चल रहे हैं चलने दीजिए, अभी पलटी नहीं मारे, अभी 2024 तक चलने दीजिए, आगे का देखा जाएगा। अरे दरवाजा तो खुला ही रहता है, किसी का दरवाजा बंद होता है राजनीति बत्ती का? हाँ। खुला रहेगा, जब जरूरत पड़ेगा घुस जाएगा। क्या लगता है नीतीश जी, क्या फिर से चले? अरे फिर से क्यों भाई, अभी तो जिनके साथ चल रहे चलने दीजिए। तो पलटी मारने का इरादा है अभी? अभी काहे के लिए महाराज, अभी चलेगा 2024 तक, उसके बाद क्या देखा जाएगा।
भागलपुर एसएसपी को नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध हथियार के बारे में सूचना मिली, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी एवं पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम द्वारा मोहम्मद इश्तियाक के घर छापेमारी कर एक देशी बंदूक एवं 9 कारतूस तथा नबी हसन के घर से एक देशी बंदूक बरामद किया गया। बरामद हथियार की खरीद फरोख्त करने के मामले में इश्तियाक, नबी हसन सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार युवक में मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद नबी हसन, मोहम्मद मोजीब अंसारी, मोहम्मद असद आलम, मोहम्मद आफ्ताब, मोहम्मद मोकरम, मोहम्मद साकिर अंसारी है। पुलिस ने 2 देसी बंदूक, 9 कारतूस और 5 मोबाइल भी बरामद किए हैं। वहीं मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के गोलाहू मोहल्ले के विजय यादव, सौरभ कुमार एवं रवि राज के घर विधिवत छापेमारी की गई, जहां से अवैध हथियार एवं कारतूस बरामद किए गए तथा 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्तियों में विजय यादव, सौरभ कुमार और रवि राज है। इसमें वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुआ, इसके उपरांत एक टीम गठित किया गया। टीम के द्वारा गिरफ्तारी करते हुए कुल 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम मोहम्मद इश्तियाक, पिता जैनुल अब्दीन, साकिन हसनाबाद, दूसरा मोहम्मद नबी हसन, तीसरा मोहम्मद मुजाहिद अंसारी, नेक्स्ट मोहम्मद असद आलम अंसारी, मोहम्मद आफ्ताब, मोहम्मद मोबरम, मोहम्मद साकिर अंसारी। ये सारे हसनाबाद जो कि नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है, इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। इनके निशानदेही पे इनके पास से 2 देसी बंदूक बरामद किया गया है, 9 कारतूस बरामद किया गया है, 5 मोबाइल को बरामद किया गया है। इस पूरे टीम में नाथनगर थाना अध्यक्ष, SDPO सिटी श्री अजय कुमार चौधरी, थाना अध्यक्ष मुरलीधर शाह जो कि औद्योगिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत के हैं, रंजीत कुमार रजक DIU प्रभारी, सुशील राज, राजीव रंजन कुमार लालमटिया थाना अध्यक्ष और नाथनगर के अन्य पदाधिकारीगण, इस पूरी मुहिम को इन्होंने किया है। इसके साथ साथ तीसरा एक मामला आया है जो कि काफ़ी भिन्न मामला है। यह मामला है बैंक के जो कैश भान होता है उसमें जो ले जाने वाले गार्ड हैं उनसे संबंधित है। इसमें बबरगंज थानाध्यक्ष को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि जो बैंक कैश भान ले जाते समय जो 2 गार्ड हैं, इनके पास फर्जी लाइसेंस और एक फर्जी हथियार इनके पास है, और इसी के बेसिस पे ये लोग नौकरी कर रहे हैं इतने दिनों से, जो काफ़ी संवेदनशील मामला है। तो इसमें इनके द्वारा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जो गार्ड है तथाकथित पंकज चौधरी जो कि थाना शंभुगंज जिला बांका के रहने वाले हैं, दूसरा नंदू राय जो कि थाना बात जिला भागलपुर के रहने वाले हैं। इनके पास से 2 एक नाली बंदूक, 12 जिंदा कारतूस और 2 फर्जी लाइसेंस जो बरामद किए गए हैं, इनका सत्यापन किया जा रहा है। इनके द्वारा बताया गया है कि ये लोग इस लाइसेंस के बेसिस पे ही जॉब कर रहे थे। लाइसेंस कहाँ का है सर? लाइसेंस एक चूंकि फर्जी है, इसमें सिर्फ मोहर मारा हुआ है। इनके द्वारा बताया गया कि ये लोग कहीं से जो है बना हुआ खरीद लेते थे और इसके बेसिस पे लोग नौकरी कर रहे थे। एक छत्तीसगढ़ का बना हुआ है उसमें मोहर है और एक भोजपुर जिला का मोहर है उस पर, जिसका सत्यापन वहाँ के आर्म्स मजिस्ट्रेट कार्यालय से किया जा रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा भागलपुर इकाई के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में बताया गया कि 25 फरवरी से 4 मार्च तक जिला कार्यशाला युवा चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हर क्षेत्र में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुए कार्य को बताएंगे। प्रेस वार्ता के दौरान भाजयुमो के दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा यह आज की बैठक यहाँ पर रखी गई है और आज की बैठक का जो उद्देश्य है युवा चौपाल कार्यक्रम जो 25 फरवरी 2024 से प्रारंभ होगा और अनवरत 5 मार्च 2024 तक यह कार्यक्रम चलेगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा जिला के प्रत्येक विधानसभा, प्रत्येक मंडल और प्रत्येक शक्ति केंद्र तक इस कार्यक्रम को जनता के बीच, युवाओं के बीच, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। और इस युवा चौपाल कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल रहा और उनकी जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं जिनसे हम सभी लोग लाभान्वित हुए हैं, उन सारी योजनाओं को हम लोग हर एक घर, हर एक शक्ति केंद्र, हर एक वार्ड तक यह युवा चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे। इसमें हमारे युवा मोर्चा के सारे पदाधिकारी, एक एक पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, सारे पदाधिकारी इस कार्यक्रम में लगेंगे।
भागलपुर में बेखौफ हथियारबंद अपराधियों ने ज्वेलर शॉप लूटने का प्रयास किया। इस दौरान असफल रहने पर 5 राउंड फायरिंग भी कर दी। मामला कहलगांव के रसलपुर थाना क्षेत्र के एक चारी के ठाकुरवाड़ी चौक का है। यहां देर रात 7 की संख्या में हथियारबंद अपराधी एक ज्वेलर शॉप में चोरी करने पहुंचे। चोरों ने शॉप का ताला तोड़ दिया। इसके बाद लोगों की आवाज सुनकर फायरिंग कर दी। इसके बाद मौके से फरार हो गए। अपराधियों की गतिविधि सामने लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। फायरिंग के बाद मोहल्ले में दहशत का माहौल है। इधर मामले की सूचना पर 12 बजे एसडीपीओ शिवानंद सिंह मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन की। सीसीटीवी फुटेज खंगाला और शॉप के प्रोप्राइटर से बात कर मामले की पूरी जानकारी ली। पुलिस ने 4 से 5 खोखा बरामद किया है। इस दौरान एसडीपीओ ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। आया था रूम में, एक आदमी आके मेरे पास केवाड़ी का झगड़गा रहा था। हम खोले ना, फिर छोटू को फोन किया तो फिर उसके बाद वो लोग फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। ताला इतना देर में 3 को ताला अंदर में बैठ के तोड़ रहा था। बस इसी में सब आया तो सब लोग फायरिंग करके भाग गया। कितने लोग थे? 4 लोग। क्या लगा, क्या करने के उद्देश्य? वो डकैती करने के लिए आए हुए थे। कहाँ के थे? कुछ पहचान? कुछ पहचान ही नहीं सके हम लोग। भाषा क्या था? नहीं देख सके उतना। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार।